सौगंध खा के जा रहा हूँ गणेश जी का कि आपके साथ ना कभी छल करूंगा, ना प्रपंच करूंगा, ना आपको धोखा दूंगा। हमारा एक ही लक्ष्य है, अनुदेशक को नियमित करना। देखिए सरकार जब लड़ाई चलती है चरम पे तो सरकार संगठन को बहुत कुछ लोग प्रपंच लालच देके मैनेज करने के प्रयास करती है, लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि यदि इतना भरोसा आपने किया है उस भरोसे को मैं टूटने नहीं दूंगा और पूरी ईमानदारी से आपके साथ रहूंगा। कब तब तक रहूंगा? जब तक कि प्रत्येक अनुदेशक अपने विद्यालय में नियमित नहीं हो जाता है। ये हमारी अंतिम लड़ाई है, इतना हम भरोसा दिलाते हैं आपको, लेकिन इसके लिए आपको भी एक हाथ हमारा तो एक हाथ आपका चाहिए, तभी ताली बजेगी। तो वही मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, आपको जो भी कभी भी कोई दिक्कत हो आप फोन करिए, व्हाट्सएप पे लिखने की जरूरत नहीं है। विक्रम सिंह गलत कर रहे हैं बार बार, मैं इस बात को इसलिए कहता हूँ, मैं हर जगह इस बात को कहता हूँ, विक्रम सिंह गलत कर रहे हैं तो विक्रम सिंह को फोन करिए, डांटिए, फटकारिए, बोलिए। व्हाट्सएप पे लिखेंगे अमित भाई तो उसका मतलब आप समाधान नहीं चाहते वो कटाक्ष करना। और आरोप प्रत्यारोप से डरना नहीं चाहिए, आरोप प्रत्यारोप से कभी मत डरिए, काम करिए। अपने आप लोग कहावत है ना, मैं अकेला ही चला था मंजिल की ओर, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। तो ईमानदारी से जब आप काम करेंगे, और इस साल भर में जितना लोगों ने मुझे जाना है, इस साल भर में मतलब 25 अक्टूबर से जितना मुझे ने जाना है लोगों ने, इतना लोग मुझे जानते नहीं थे पहले, भले मैं अनुदेशक संगठन में शुरू से जुड़ा था। जी बिल्कुल सर, और जितना एक्सपोजर हमारा हुआ है, स्पेशल कवरेज न्यूज की देन है, शिव कुमार मिश्रा जी की देन है और सुरेंद्र दुबे सर की देन है सर। देखिए जो इसको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए, और मैं पूरी आजीवन उन लोगों का ऋणी रहूंगा। शायद अपने माता पिता ने भले मुझे जन्म दिया है, लेकिन माता पिता से ज़्यादा मैं उनके लिए ऋणी हूँ। माता पिता का एक स्वार्थ है, लेकिन उन दोनों का कोई स्वार्थ नहीं है, न उनका कोई रिश्तेदार अनुदेशक है, न कोई भाई भतीजा अनुदेशक है। तो आप लोगों ने जितना प्यार सम्मान दिया है, इसका मैं आजीवन ऋणी रहूँगा। और अंतिम पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठ, ये मेरे अनुदेशक साथियों, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। और हम 31 दिसंबर 2023 से पहले फिर बदायूं की सरजमी पे आएंगे, ये हम भरोसा दिलाते हैं आपको। और बहुत कुछ लेकर आएंगे हम लोग, बहुत कुछ लेकर आएंगे। अनुदेशक नियमितीकरण तक अंतिम लड़ाई जारी रहेगी, ये आपको भरोसा दिलाते हैं सर। और भी कोई बातें हो तो आप रखें, आगे की कार्रवाई।